हेलो फ्रेंड नमस्ते। सरकारी परीक्षाओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस का एग्जाम भी 2 महीने के बाद होगा। इसी तरह से आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम का भी तारीख आ जाएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बार बार पूछा जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट भारत में, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है ये आपको बताऊंगा। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर देने के बाद एक बेल का बटन दिख रहा होगा नीचे वीडियो के, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर एक पे देख लेते हैं। नंबर एक पे है आपका कुशक बकुला रिम्पोची। कुशक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट ये भारत के किस राज्य में है, आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है ले। और आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपके पास तरीका है। आपने एक फिल्म देखा होगा 3 इडियट, उसमें आमिर खान जो मुख्य भूमिका में थे उन्होंने किरदार निभाया था रणछोड़ दास चांचल का, और वो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए अचानक फिल्म के स्टोरी से गायब हो जाते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, लेह में चले जाते हैं वो। तो इस तरह से आप इसे याद रख पाएंगे, देखिए रिम्पोची और रणछोड़ दास चांचल एक जैसा दिख रहा है, और वो गए थे लेह में। तो इस तरह से आपको ध्यान हो जाएगा कुशक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है वो लेह में है। दूसरा एयरपोर्ट देख लेते हैं, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत के किस राज्य में है, ये श्रीनगर में है और ये नाम से भी पता लग जाता है कि श्रीनगर में है। तीसरा एयरपोर्ट सेम कंडीशन है, शिमला एयरपोर्ट, नाम से पता लग जाएगा कि ये भारत के किस राज्य में है, ये शिमला में है। अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है गगाल एयरपोर्ट। गगाल एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है, तो गगाल एयरपोर्ट जो है भारत के जो राज्य है हिमाचल प्रदेश उसमें है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। तो अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है लेंगपुई एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है, आपसे पूछा जाता है अगर, तो आप इसका जवाब दीजिएगा मिजोरम। देखिए सवालों को एग्जाम में घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि अगर आप भारत के एक एयरपोर्ट पर उतरते हैं जिसका नाम है लेंगपुई एयरपोर्ट, तो आप बताइए भारत के आप किस राज्य में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल सा जवाब देना है मिजोरम। तो इस तरह से सवाल जो है एग्जामों में आजकल घुमा फिरा के भी पूछे जाने लगा है। अगला देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। याद रखने का तरीका देखिए, जो ब्लेयर होते हैं, जो बोल्ड होते हैं वो बहादुर होते हैं, और वीर सावरकर जो थे वो बहादुर थे, आपने उनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है अगाती एयरपोर्ट। अगाती एयरपोर्ट जो है भारत के राज्य लक्षद्वीप में है, और ये देखिए मैंने इमेज डाल दिया, लक्षद्वीप जो है बिल्कुल अपना जो नीचे जो महासागर है उसमें है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे इस तरीके से। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, तो याद रखने का तरीका यह है कि अगाती का मतलब होता है जो आगे रहते हैं, और जो आगे रहते हैं वही लक्ष्य हासिल करते हैं, तो इस तरह से आप इसे भी याद कर लेंगे। अगला एयरपोर्ट जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अगला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो आपको जवाब देना है दिल्ली। सवाल को ऐसे भी कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, तो उसका सही जवाब होता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। कई बार इसका जवाब जो है शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है IGI एयरपोर्ट, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, और आपको बता दूं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह हैदराबाद में। तो अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका सही जवाब है मुंबई।
आपको पता होगा कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था मुंबई में हुआ था, और शिवाजी कोई अपरिचित तो है नहीं। और साथ ही ये भी बता दूं कि मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी के नाम से रेलवे स्टेशन भी है। तो अगला देख लेते हैं, अगला है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से पता लग जाता है भारत के राज्य चेन्नई में है। अगला एयरपोर्ट देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है केम पेगोडवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत के राज्य बेंगलोर में है, और ये पता लग जाएगा आपको इसके नाम से। तो ये आपको पता लग जाएगा, देखिए के इस नाम है इसका, के से कर्नाटका होता है और कर्नाटका की ही राजधानी बेंगलोर है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि केम पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत के राज्य कर्नाटका के बेंगलोर, जो कि कर्नाटका की राजधानी है, वहां पे है। तो अगला देख लेते हैं, अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, देखिये ये गुवाहाटी में है। याद रखने का तरीका देखिये, यहाँ पे गोपीनाथ दिख रहा होगा, गोपीनाथ और गुवाहाटी। गोपीनाथ जब भी आएगा तो वो गुवाहाटी में होगा, दोनों मैच कर रहा है जीजी से। अगला देख लेते हैं, अगला है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर भारत की राजधानी तमिलनाडु में है। तो अगली देख लेते हैं, अगला एयरपोर्ट है दबोलीम एयरपोर्ट। अगला एयरपोर्ट दबोलीम एयरपोर्ट है, इसका जवाब होगा गोवा। याद रखने का तरीका यह है कि आपको पता होगा कि गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, और जो सबसे छोटा होता है या दबा होता है, जो दबा होता है वही सबसे छोटा होता है। और यहाँ पे देखिए इसके नाम में आ रहा है दबोलीम, यानी कि जो दबे कुचले लोग होते हैं वो छोटे होते हैं। तो इस हिसाब से आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर ये बात मैं किसी को हार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ याद कराने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको सारे एयरपोर्ट की जानकारी दे दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और चैनल अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दे, और बेल का बटन जरूर दबा दे। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।